हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग वॉक से आ गए हैं। आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने कहा चलो कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जब तक इनका मुंह इधर है मैंने कहा मैं कर देती हूँ शूट। इधर में दिख जा। अरे वाह। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओए 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 जा। ओए हेलो, कभी कैसे ला रहे। ओए बिल्ली कर देती तुम्हारा सफाया, अभी तुम्हें बचाया गया है जुगाड़ करके। ये यहाँ पे लगाया पेटी ताकि बिल्ली उधर ना जाए। आपको क्या लगता है बिल्ली खा देती उनको? हाँ, यहाँ पर पिछली बार भी खा ली थी। ये खराब नहीं था, पिचका नहीं इतना। वो केला छिलका था, सुबह सुबह केला खा रहे मेरे को। जो उठते ही मांगते केला दे दो। ठंडा है। ओह सो जी, दिन के बज रहे हैं 12:30 और सुबह से मैं ब्लॉगिंग तो मैंने करी नहीं क्योंकि सुबह पापा ने कहा कि मुझे, जैसे मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया थोड़ी देर में पापा ने कहा कि मैं, मुझे आधे घंटे में निकलना है तो मुझे जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाना था, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में फिर मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं करी। उसके बाद सारा काम करके थक गई, सो गई। अभी उठ रही हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ दिन का। तो चलो लेट्स स्टार्ट। वाली धुली हुई मूंग चढ़ा दी, सब कुछ डाल दिया उसमें, ऊपर से तड़का मार दिया बस। और एक में तो चावल चढ़ा दिए बस। अब थोड़ी देर, बस 10 मिनट, 10 मिनट में खाना तैयार। 10 मिनट ज़्यादा नहीं बोल दिया मैंने, चलो 5 मिनट ओ सॉरी 15-20 मिनट बस खाना तैयार। उसके बाद खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। मुझे नींद आ रही, पता नहीं क्यों आजकल मुझे इतनी नींद आ रही। आजकल नहीं, वैसे तो मुझे हमेशा ही इतनी नींद आती है। मुझे जब सुलाओ मैं तब सो जाती हूँ। मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लगता मैंने नींद की दवाई खाई है। तो जी अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा, क्योंकि पिज्ज़ा बेस को 1 घंटे के लिए रखना है। इसलिए मैं अभी से उसको बनाना स्टार्ट कर लूँ, उसका डो बना देती हूँ और उसके बाद उसको 1 घंटे के लिए छोड़ के सोने चली जाऊँगी। अच्छा भारतिक, आज मेरा कैमरा मैन है भारतिक अंडारी और मम्मी ये छिलने आपका काम है, ये छिलना ठीक है। मक्की खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हैं छल्ली। पिज्जा बना रही हूँ मैं आज, पिज्जा बनाओ पिज्जा। मैं तो दोस्तों पिज्जा बनाने के लिए मैंने आटा डाल दिया है सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले कैमरामैन भारती कंडारी के साथ पहले मैंने आटा डाला, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, ये अब बेकिंग सोडा डालूंगी। अब कैमरामैन जो है वो अनट्रेंड है, उसने पता क्या करा, कैमरा ऑन ही नहीं करा, मैंने ये डाल दिया। तो सिखा रही धीरे धीरे ये डाल बेकिंग सोडा। ऐसे कैमरामैनों के चक्कर में मेन मेन सीन उड़ जाते हैं। हाथ भी दबा रहे हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी भी है ना इसमें, ये चीनी भी डाल दी ठीक है। मैं पहली बार पिज्जा बना रही हूँ तो पता नहीं कैसा बनेगा, बाकी कैसा बन सकता है तो अंदाजा लगा। तो बाबा रो तो गया ये पतिदेव, क्या आपको मेरे पे भरोसा है? क्या कुछ पति से काम करो, मगर देखो क्या आप मेरे से काम करोगे पतिदेव? इधर सूट कर, इधर इधर इसमें डालेंगे हम 4 बड़े चम्मच दही के। तो ये बाहर वाले देव घर से तो थोड़ा दही खाने के बहुत ही मेरे को कैसे देखो कैसे पीछे से कमेंट रहे, मेरे को भी देना 4 चम्मच दही। लो भाई लो। अब इस दही पे बहुत सारे लोग टूटेंगे। अब पहले हमने इसको इसके साथ मिक्स करना है।
तो मैं दही को इस आटे में अच्छे से सब चीज को मिक्स कर देना है। तो पहले दही को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्के हाथों से हल्का हल्का पानी डाल के उसे गूंथना है, एक मुलायम आटा लगाना है। मैंने भी सीख लिया पिज्जा। कहाँ सीख रहा आपने? सीख रही हूँ आपके आंखों से, हाथों से। और अगली बार तू बनाएगी? जब पेपर हो जाएगा। भाई इस लड़की का पेपर पिछले कितने महीने से रहा? 4 महीने से अभी तक नहीं हुआ। सारा काम पेपर के बाद। बातें ऐसा करते हैं पेपर के बाद। भले तो पेपर हो नहीं रहा तो वो काम होगा नहीं। तो अब हम हाथों में तेल लेंगे और इसको अच्छे से गूंथेंगे। आपकी मर्जी, आप कोई भी तेल ले सकते हो, रिफाइंड वगैरह जो मर्जी हो आपकी। ये ढक के रख दिया, अब इसको 1 घंटे के लिए ढक के रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मेरे पास टाइम है तो मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। मम्मी ने पिज्ज़ा के लिए कॉर्न छील दिए, मतलब क्या बोलते हैं, निकाल दिए। हाँ मतलब मुंगरी भुट्टा, मैं कॉर्न पिज्जा बनाऊंगी। खाओगे आप? नहीं खाओगे? आटा पिज्जा मल्टीग्रेन वाला नहीं। मैं आटा पिज्जा बना रही थी ना, बट मैं भूल गई कि मैंने उसमें ज्वार भी मिला रखा है। मैंने उसमें वो भी मिला रखा है, क्या कोदे का आटा भी मिला रखा है और आई थिंक मक्की का आटा भी मिला रखा है। क्या हो, तो मिक्स हो गया, बनेगा पता नहीं। अभी मैं खुश और नहीं हूँ कि बनेगा नहीं बनेगा। बनेगा पति दे, आपको क्या लगता है बनेगा? नो आइडिया। पर यकीन है आपको अपनी बीवी के टैलेंट में? पूरे यकीन है, खराब कर देगी। खराब इसके करेंगे नहीं, आटा मुलायम हो गया, थोड़ी देर और हम इसके करेंगे दो हिस्से, दो बनाएंगे। तो अब हम इस गोली को चकले पर इस तरीके से हाथों से पहले फैलाएंगे और फिर बेलन से उसे बेलेंगे, ठीक है? तो ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, थोड़ा सा थिक ही रखना वैसे देखा जाए तो। एंड उसके बाद उस पर फोक से इस तरीके से होल कर देना है इस तरीके से, ताकि वो फूले ना। फिर एक कढ़ाई रख देना, उसमें नमक डाल देना, उसमें स्टैंड रख के 5 मिनट के लिए हीट कर देना, प्री हीट। एंड फिर मैंने ये एक प्लेट पे मक्खन लगाया है और उसके ऊपर ये पिज़्ज़ा बेस रख दिया। और पिज़्ज़ा बेस रखने के बाद मैं उसमें लगा रही हूँ पहले ये क्या कहते हैं इसको, पिज़्ज़ा सॉस। हाँ पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, ये मैं मार्केट से लाई थी। एंड उसके बाद मैं इस पे डालूंगी मोज़रेला चीज़। और मोज़रेला चीज़ डालने के बाद आप इसमें कुछ सब्जियां डाल दीजिएगा, शिमला मिर्च जो आपकी मर्जी। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और कॉर्न डाले हैं। आपकी मर्ज़ी जो आपके घर में हो आप वो डाल सकते हैं, आप कॉर्न कॉर्न भी डाल सकते हैं, है ना। और उसके ऊपर से फिर से मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। चीज़ तो मैंने भर भर के डाली थी, 2 पिज़्ज़ा बनाए थे मैंने। और अब मैं कॉर्नर में मक्खन लगा रही हूँ ताकि ये कॉर्नर से भी अच्छे से पक जाए। एंड फिर जुगाड़ से, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो मेरे पति जुगाड़ से इसे कढ़ाई में रख रहे हैं। तो ये हमने रख दिया इसमें, अब हम इसको ऊपर से ढक देंगे। तो ये मैं इसको थाली से ढक रही हूँ कम से कम 15 मिनट के लिए। तो ढंटना, मेरा पिज्जा रेडी। देखो अच्छा लग रहा है ना। मैंने ये भी रख दिया। नहीं नहीं वो चिकन की कहाँ रख दी मैंने? आई रियली डोंट। और ये बन गया। ओ माय गॉड, पका मैंने किसे? ये पक गया पिज्जा, पका हुआ है अच्छे से। और यहाँ पे सब अब पिज्जे का मज़ा ले रहे हैं, सबको बहुत पसंद आया। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सब प्रेशर बातें कर रहे थे इसलिए। यार मेरे को लगा जल गया नीचे से, बट वो जला भी नहीं। बट अभी दूसरा वाला देखती हूँ। नहीं ये तो अभी बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, ये
भारती की दाल भी बन रही है, मैंने अभी टेस्ट नहीं करा, थोड़ा सा हस्बैंड मेरे पति देव ने टेस्ट कराया, बट अच्छा हो रहा है। ओ माय गॉड, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट अटेम्प्ट इज गुड। आजकल मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट करती हूँ बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आप को खुद ही शाबाशी दे देती हूँ ना। चलो बाकी सबसे मिलवाती हूँ। अब मैंने जो दूसरा पिज्जा रखा है उसमें मैंने गड़बड़ कर दी, मैं नीचे प्लेट में नीचे मक्खन लगाना ही भूल गई। फिर मैंने उसके ऊपर किया और फिर नीचे से उसके मक्खन लगाया पूरा। अब बताओ जुगाड़ो, कहीं मुझे ये डर है कि वो जड़ मतलब जल ना जाए वो। बस बात कैसा हो रहा था, लजीज यम्मी। वैसे ये जो ये 200 रुपए में इतनी तारीफ होती है। वैसे सुन, 500 रुपए दूंगी बता। वैसे जैसे चुम्मी से परफॉर्मेंस महंगा दूंगी। ये बन गया हमारा दूसरा पिज्जा। ये है हमारा दूसरा पिज्जा। जरा मैं इसकी फोटो खींच। अब इन्होंने कह दिया मैं नहीं खाऊंगा रोटी रात को। मैं भी नहीं खाने वाली, मैंने एक पीस खाया बस, मेरा पेट उसी में हो गया। एक तो बनाने वाला का ये सीन होता है ना कि वो बनाते बनाते ही पेट भर जाता है। मेरा तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है, मैं बनाती हूँ ना तो बनाते बनाते ही ऐसा हो जाता है कि अगला बंदा खाए ना तो वो ही देख कर मेरा पेट भर जाता है। और माता के लिए बनाया था तो मम्मी जी तो बत्ती जलाने चले गए। अब मम्मी रात को 8 बजे से पहले तो घर में आने से रहे, तो ठंडा हो जाएगा। अभी देखते हैं अगर गर्म रहेगा तो। अपनी तरफ मुड़ा रखा मैं, कैसे देखती हूँ उधर से, मेरी तरफ तो नहीं घुमाया। तो जी अब हमारा डिनर भी हो गया, घूम के भी आ गए और अब मुझे आ रही है नींद बहुत तेज। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, हाथ में धो के आ गई, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, गुड नाइट।